अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीनाज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कलेजी जो है बकरा ईद पर, बड़ी ईद पर किस तरह बना सकते हैं। आप इस तरह कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी होती है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे कलेजी। तो ये मैंने कलेजी जो है हाफ़ के जी ली थी, फिर इसे अच्छे से हम मैंने धोकर साफ़ कर लिया। तो मैं हम ले लेंगे पिसी हुई मिर्ची, ले लेंगे टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, नमक टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे, कुछ लौंग काली मिर्ची ले लेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे और जायफल जो होती थोड़ी थोड़ी जो है इसी के साथ गरम मसाले के साथ पीस लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम जो है फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे ये पूरी रेड हो जाए, ब्राउन नहीं हो, रेड हो, बस रेड रेड इस तरह हो तो हम जो है प्याज निकाल लेंगे। फिर हम इसी ऑयल में जो है हम कलेजी शामिल करेंगे और इसे कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि बकरीद पे, जो बड़ी ईद पे जो हमारी कलेजी होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है, तो वो फौरन ही गल जाती है। आप इसके साथ अगर चाहें तो आप गुर्दे वगैरह या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, वरना बाकी आप कलेजी भी इस तरह शामिल कर सकते हैं। हम इसमें सारे मसाले जो हैं, बाकी मसाले हम शामिल कर देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। बाकी इसके साथ आप तिल्ली भी शामिल कर सकते हैं, बाज़ लोग तिल्ली भी शामिल करते हैं, गुर्दे शामिल करते हैं, फेफड़े शामिल करते हैं, पर मैं सिर्फ कलेजी बना रही हूँ। उसके बाद ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम फेंट कर 1 पाव तकरीबन दही शामिल कर देंगे। दही के पानी में ही हम इसे कलेजी को गला लेंगे और अगर आपने और चीज़ें भी इसमें शामिल की हैं तो वो भी इसी दही के पानी में गल जाएंगी। अगर ज़रूरत पेश हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। जब तक कलेजी गल रही है और बाकी सारी चीज़ें गल रही हैं तो जब तक हम कर लेते हैं, हमने प्याज को हमने क्रश कर लिया इस तरह, जो हमने सारी प्याज थी उसे इस तरह क्रश कर लिया। अब देखें ये कलेजी अच्छे से गल चुकी है, अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे, ब्राउन की हुई जो हमने पहले से की हुई थी वो शामिल करेंगे और हसब ज़रूरत जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपको कम ग्रेवी रखनी है तो कम ऐड कर दीजिए, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा आप पानी इसमें अपने हसब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम ढककर इसे जोश दिला लेंगे, हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुशियाँ बांटें, खुश रहें।